अस्सलाम वालेकुम, आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही मज़े की और टेस्टी एक डिफरेंट सी रेसिपी, अंगारा बिरयानी। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई डिफरेंट सी रेसिपी दी जाए, तो ये बहुत ही डिफरेंट है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक फुल वॉच कीजिएगा कि मैंने अंगारा बिरयानी कैसे बनाई है। Hi to everyone, assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मज़े की है, बहुत ही स्पेशल और टेस्टी है, क्योंकि बिरयानी मैंने आपको दम आलू बिरयानी भी बनानी सिखा दी है, चिकन बिरयानी भी बनानी सिखा दी है। सो अब मैं सोच रहा था कि कुछ ना कोई डिफरेंट बनाया जाए, कोई डिफरेंट बिरयानी बनाई जाए, तो इस वजह से आज मैं बनाने जा रहा हूँ अंगारा बिरयानी, चिकन अंगारा बिरयानी, बहुत ही मज़े की टेस्टी यम और कुछ डिफरेंट। तो बहुत ईजी से बनाना, आप लोग ईजीली बना सकते हो। अंगारा बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो विदा बोन्स चिकन लिया है, क्योंकि बिरयानी में तो विदा बोन्स चिकन ही अच्छा लगता है। और साथ मैंने 1 कप जो है वो मैंने योगर्ट इस्तेमाल किया है, और हसबे ज़रूरत मैंने यहाँ पर कोयले लिए हैं, यानी कि ये 3 टुकड़े हैं कोयले के। और साथ में जो 3 मैंने जो है वो प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने बारीक बारीक काट कर फ्राई करके रख लिया। और साथ में 2 लार्ज साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं, और ये कुछ मसाले लिए हैं जिनमें से मैंने लिया है 3 टेबलस्पून लेमन जूस, और ये कुछ गरम मसाला लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, और साथ में मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पर हल्दी का पाउडर लिया है, और साथ में मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर लिया है, और साथ में सॉल्ट टू टेस्ट एंड 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो बस ये चीज़ें चाहिए हमें बिरयानी बनाने के लिए। तो चलिए झटपट बिरयानी बनना स्टार्ट करते हैं। ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने जो है वो प्याज फ्राई किए थे, तो अब इसके अंदर हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से हम लोग जो है वो मिक्स कर देंगे, और अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे चिकन। तो अब इसे अच्छे से हम लोगों ने चिकन को इसके अंदर भून लेना है, फ्राई कर लेना अच्छे से। अब हम इसे 7 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर बाकी के जो भी हैं स्पाइसेस वगैरह वो ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। तो ये हरी मिर्ची मैंने बारीक कटी हुई, ये आपको मैंने दिखाई नहीं थी सो उसमें ना, तो इसलिए मैंने ये लिए हैं 5-6 हरी मिर्चें लिए हैं जिनको बारीक बारीक चॉप करके मैंने रख लिया है। और अब साथ ही इसके अंदर हम लोग टमाटर ऐड करेंगे, और अब इसे अच्छे से हम लोगों ने भून लेना है इसके अंदर, ताकि इसका जो कच्चा पानी वो भी सारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि टमाटर ज़्यादा थोड़ा टाइम लेते हैं इस वजह से। ये देखिए कितने अच्छे से कुक हो चुका है, कितने अच्छे सेट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर बाकी के जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो तमाम ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये गरम मसाला, इसमें ज़ीरा और साथ में काली मिर्च वगैरह लौंग वगैरह हैं। तो अब इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे, और जो सॉल्ट था ना वो मैंने भुनाई में डाल दिया था इस वजह से। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कुक हुआ है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे, और इससे तकरीबन अब हम लोगों ने बनाना है तकरीबन 2-3 मिनट, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं मसाला बिरयानी का। तो अब इसे सिर्फ 2 मिनट और करेंगे, 2-3 मिनट, फिर इसके बाद हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसके ऊपर फ्लेम ऑन है, और अब इसके ऊपर हम लोग देंगे कोयले की धुनी।
तो अच्छे से कोयले की धुनी जो उसे दे रही है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, तो ये देखें, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्लेम अब मैंने लो कर दी है, तो अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे चावल। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे लेमन जूस, तो ये लेमन जूस जो इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे। अब हम ऐड करेंगे प्याज, अगर आपको आलू पसंद है तो आप लोग ऐड कर लें, अगर नहीं पसंद तो आप लोग मत डालें, ये ऑप्शनल है क्योंकि अंगारा बिरयानी में ज़्यादातर लोग आलू नहीं डालते हैं, ये हर एक के टेस्ट पर डिपेंड करता है इस वजह से। तो मैं डाल रहा हूँ फ्राई करके, तो अब इसे हम लोग कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पर लो फ्लेम पर। तैयार है हमारी मज़ेदार सी बिरयानी, तो अब जो है वो हम लोग इसका दम जो है खोल देंगे, तो अब इससे बिरयानी को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये मज़ेदार टेस्टी सी बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली है तो मेरी हर नई वीडियो या रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। अल्लाह हाफिज़। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।